हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल 8247 एकेडमी। और आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द स्माइल। एस एटोरेटाइज, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर स्लो। स्लो क्योंकि कछुआ धीरे चलता है। चूज द मीनिंगफुल, क्वेश्चन नंबर दो, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जनरेटेड वर्ड इटलॉब। इसका जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोटल। क्वेश्चन नंबर तीन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई प्लेड। पास्ट सिंपल पास्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म जो है वो है प्लेड। क्वेश्चन नंबर चार है, चेंज द जेंडर ऑफ अंडरलाइन नाउन एंड रिवराइट द सेंटेंस। माई नेशी, नेशी के जेंडर होता है निफ्यू। आंट, आंट है फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलर जेंडर है आंट के लिए अंकल। अंकल अंकल के लिए है आंट फेमिनाइन जेंडर। सिस्टर, सिस्टर के लिए है मैस्कुलर जेंडर ब्रदर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर पाँच है, चूज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट द सेंटेंस। ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे एन एप्पल। इसका मतलब है प्रतिदिन एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है। ऑप्शन नंबर एक ठीक है। चौराइस द, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग है करेक्शन ऑप्शन नंबर ए। एक क्रम में सेवन क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब बी बी टू द पार्क ऑन संडेज। तो इसका है गो क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। कब आके है क्वेश्चन नंबर आठ है, राइट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपोजिट डी का होगा स्ट्रॉन्ग। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन प्लीज। Give that book, give me. Write the full form of I am. Option number C. Which of the following four option reflected the correction use of punctuation symbols as per established rules of English grammar? Option number A, Bhavan always
ये गलत है, ऑलवेज के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। भवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स पैटीज मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक। ये सही है, भवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट पैटीज। स्वीट्स के बाद में ऑप्शन में ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर कॉमा नहीं है। भवन ऑलवेज ये रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट द एनालॉजी। डॉग कैनिन कैट का होता है फेलाइन। और क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियम इज रॉन्ग क्वोटेड। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लीनिंग, इसका मतलब है हर एक निराशा में भी एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद किरण होती है, उम्मीद की किरण होती है। ब्लेसिंग ऑफ डिजीज, इसका मतलब है कोई चीज जिससे शुरू में परेशानी महसूस होती है परंतु वह आखिरकार लाभदायक होती है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। जबकि एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, ये कोई एडियम्स नहीं है, इसका है एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब है जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज क्वाइट क्लियर दैट प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ एडमिशन। इसमें जो है पहले में तो आएगा वो आएगा क्वाइट, ये वाला क्वाइट, और दूसरे में आएगा प्रिंसिपल, ये वाले। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, इसका जो मतलब है भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। आइसलैंड जो होता है उसको बोलते हैं द्वीप, शोर जो होता है उसको बोलते हैं समुद्र का किनारा। बीच जो होता है समुद्र तट। और नन ऑफ दिस, तो इस द्वीप जो होता है वो होता है भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से ग्रो होता है, वो होता है आइसलैंड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड नंबर्स ग्रेट इन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइस, डल भी वाइस का अपोजिट है।
स्टूपिड भी क्लेवर नहीं है, वह इसका अपोजिट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ही लव्ड पास्ता। तो ये होगा सिंपल पास्ट, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ दीज वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो इसमें जो है अचीव एडजेक्टिव नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। रमेश ईट्स टू एवरी डेज बनाना। बनाना का जो प्लूरल वर्ब है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी बनानास। द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन दैट सुइट्स द गिवन सेंटेंस। द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 34 स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। तो म्यूजिक बिल्डिंग में जो होता है वो होता है पियानोस, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इपी। इंटरजेक्शन है इसमें है इपी, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही वेंट द स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी का करेक्ट जो है स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट ऑफ प्रेसिस, क्योंकि फॉल्सहुड का होता है झूठ और इनएबिलिटी का होता है अयोग्यता, और ये मिस्टेक का होता है भूल या गलती, और इसका मतलब होता है शुद्धता, और इसका मतलब होता है शुद्धता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पच्चीसवा, मैच द वर्ब विद सुटेबल नाउन्स। नंबर वन है ब्राइट। ब्राइट जो करती है वो करती है पेंसिल, इसको इससे मिला देंगे, कट कट करते हैं वेजिटेबल्स को। और स्वीप जो स्वीप करती है वो होती है ब्रोम। रीड करते हैं बुक। फ्लाई होती है एरोप्लेन। तो इसका हो जाएगा ए का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ई, पांचवें का ए, पहले का बी। बी इसमें और इसमें ऑप्शन नंबर डी। बी दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ई, पांचवें का ए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, मैथ का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। मैथ का क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित संख्या में 8 का स्थानीय मान है। इसमें 4 का है मान इकाई और 8 का है दहाई, और ये 7 का है सैकड़ा। तो 8 का जो मान है वो दहाई। निम्नलिखित में संख्या का गुणन ज्ञात कीजिए। तो 5 के गुणक जो होगा वो होगा 5 और 1, ऑप्शन नंबर सी। 28वां, हल कीजिए। 4 + 7/8, इसके नीचे ले लेंगे 1, 8 ले लेंगे एलसीएम, 8 + 32 + 7, तो 39/8, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मान ज्ञात कीजिए, यदि m बराबर -1, p बराबर 2 है, तो 2 × 2 × 2 × −1 × −1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, 2 × 4 × 8 × 16 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 है, एन के लिए हल कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं, 3n + 7 = 25 है, तो 3n = 25 - 7, 3n = 18, आंसर ये 6 बार, n = 6। निम्नलिखित समूह में अगले तीन अंश ज्ञात कीजिए, तो 50, 46, 42, 38। देखो जी, इससे कम हुआ ये 4, इससे ये 4 कम हुआ, इससे ये 4 कम हुआ, इससे 4 कम होगा तो वो होगा 34, और जिससे 4 कम होगा तो वो होगा जी 30, और इससे 4 कम होगा वो होगा 26। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 3:5 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3:5 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करेंगे, 3/5 × 100, और 5 20, और 20 60, 60%, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हानि बराबर लागत माइनस विक्रय मूल्य। इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा लागत माइनस हानि। विक्रय मूल्य लागत माइनस हानि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 लड़कियों की लंबाई सेमी में मापी गई परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण मतलब औसत, परिमाण निम्नलिखित है, परिणाम निम्नलिखित है, 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। लड़कियों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में लगभग क्या होगी? तो औसत ऊंचाई जो होती, औसत जो होता है वो होता है सभी का योग और बटे कुल संख्या। तो इसको कर लेंगे 135 + 150 + 138 + 128 + 151 + 132 बटे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। इन सब का योग जो आ रहा है वो होगा 835, और बट्टे में आ जाएगा 6। 6 से काटेंगे तो इसे ये कटेगा 139.16 बार, तो 139.16 जो है वो भी ऑप्शन नंबर बी। गणना कीजिए 60 का 150%, 60 का 150% जो होगा वो होगा 60 × 150/100, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 15 56 90। मेंसा कल 1/3 किमी और आज 3/4 किमी चला, मेंसा कुल कितनी किमी चला? 1/3 + 3/4 और 12 4 + 9, 9 4 हो जाएगा 13/12 किमी, ऑप्शन नंबर ए।
यदि एक दर्जन पेन की कीमत 180 है तो एक पेन की कीमत होगी, एक दर्जन में जो होते हैं 12 पेन होते हैं, तो 12 पेन की कीमत है 180 RS। तो एक पेन जो होगा वो होगा 180 बटे 12, इसका मतलब 15 RS। ऑप्शन नंबर डी। सरलीकरण कीजिए, 8/3 × 4/35। इसको सरल कर लेते हैं। चलो जी, 3 × 5 = 15, 80 + 1, 3 × 3 = 9, 1 = 10 और 8 × 4 = 32, इनमें से कोई नहीं। चार और पाँच से पहले दो सार्प गुणज, चार और पाँच के पहले दो सार्प गुणज होंगे, तो होंगे वो होंगे 20 और 40। निम्नलिखित में दशमलव संख्या लिखिए, 92.305। ऑप्शन नंबर बी। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है। एक आयताकार क्षेत्र बना लेते हैं। लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर। यदि इसकी परिधि जो दे रखी है वो दे रखी है 300 मीटर, और तो चौड़ाई याद कीजिए, बी बराबर क्या। ठीक है, इसके लिए जो होता परिधि जो होती आयत की परिधि बराबर होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको कर लेते हैं 2L + B = 300। तो L + B 150, और जबकि लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर, +B = 150, तो B = आ जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि P = ₹800 हैं और T 2 वर्ष हैं और R 10% हैं, तो साधारण ब्याज की दिए। तो इसमें दे रखा P 800 दे रखे हैं और जी T जो दे रखा वो दे 2 वर्ष का दे रखा, और जी आर जो दे रखा वो 10% दे रखा, और जी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P × R × T/100। पी का मान दे रखा 800 और आर दे रखा 10, फिर 2 दे रखा बटे 100। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 × 2 = 16 और 160 द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक्स के लिए हल कीजिए, तो ये 4 × 5 = x + 3 = 5, x = 2। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए अंक को रोमन में लिखिए। देखो जी, 10 को एक्स लिखते हैं और जी 4 को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या? 1007, उससे कम है, 1006, 1005 और उससे कम है 1003 और उससे कम है 1002, फिर उससे कम है 1000, 1007, 1005,
1007, 1005, 1003, 1002, 1001, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं क्या हैं? 5009 के बाद दो क्रमागत संख्या 5010 और 5011, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित का वर्गमूल याद कीजिए, 225 का वर्गमूल होता है 15। दोस्तों, हिंदी का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीके वाला पोर्शन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। स्टार्ट करते हैं। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया, दुल्हनिया का सब बहुवचन जो होगा वो होगा दुल्हनिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दो है, अकल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए। सब पर विपत्ति, अपने कर्म का फल मिलता, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीन है, दिए गए शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। निरीक्षण, निरीक्षण का शुद्ध रूप जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा पीयूष, क्योंकि आम का होता है रसाल, पिक बल्लव, अमृत फल, और जी व्योम का होता है नव, गगन, आकाश, और जी पीयूष का होता है सुधा, एमिए, अमृत, सोम, अमी, इट। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। पूर्ण, पूर्ण का जो हो फिरना, पूर्ण का जो विलोम होता वो होता अपूर्ण। सबल का जो होता वो होता है दुर्बल, और जी स्थिर का जो होता वो होता फिरना। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। वर्तनी के आधार पर वाक्य को शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये भी स्वास्थ्य ठीक लिखोया नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक लिखोया, तो ये तक करेक्ट। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके उसको बोलते हैं निरुत्तर। दिए गए शब्द का तद्भव बताइए। शर्करा का है शक्कर। निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी भक्ति रस। दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। बहस हो रहा था, बहस हो रहा था, तो इसमें है भूतकाल। वर्तमान काल में आता है अंत में है, भविष्य काल में आता है होगा। दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। वो बक्सा जो कल यहीं रखा था, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। वो बक्सा जो कल यहीं रखा था, आज नहीं है। वो बक्सा यहाँ पर कॉमन नहीं आना चाहिए था, यह भी गलत हो गया। वो बक्सा जो कल यहीं रखा था,
आज नहीं है, यहाँ पर आपकी जगह है आज। तो ये ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, रमेश कल आएगा। रमेश कल आएगा तो रमेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दी गई लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। दिए गए विकल्पों का उपविराम चिन्ह बताइए। विकल्पों में उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं अल्पविराम। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। और जी इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अच अंत, तो इसका जो सही विकल्प है वह अजंत। संकीर्ण शब्द में उपसर्गे उपसर्ग बताइए। संकीर्ण शब्द में जो है उपसर्ग है वो है सम। आश्रित उपवाक्य, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। इसमें आश्रित जो है वो है जो बहुत मोटा था। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। दो पुस्तकें ले आना, तो दो पुस्तकें जो हैं वो है संख्यावाचक विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता? पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो होता है 3 प्रकार का। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को कहते हैं बहुभाषी। भाषण देने वाला, साग सब्जी खाने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, देखिए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। आह भारत जीत गया, तो इसमें है विस्मयवाची, विस्मयादि वाचक वाक्य। आह निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। विकल्पों में स्वर जो है वो है ए। जाते में प्रत्यय बताइए। जाते में है प्रत्यय ते। निम्नलिखित में से विस्मय बोधक चुनिए। विस्मय बोधक है शाबाश। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर आपको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं सभी नोट्स एंड पेपर प्रैक्टिस सेट डालता रहता हूँ। और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।